फ्रेंड्स, आज बात करेंगे बीपीएससी 65वीं संयुक्त परीक्षा के बारे में। फ्रेंड्स, जो डेट बताया गया है 1 जुलाई, जो कि फॉर्म अप्लाई करने का, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, सीट विवरण के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, वो हमारे चैनल को नीचे दिए लाल निशान पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको आपके मोबाइल तक मिलता रहे आसानी से। फ्रेंड्स, सबसे पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। हेडिंग लाइन देख सकते हैं आप, बीपीएससी 65वीं संयुक्त परीक्षा के लिए एक से आवेदन 1 जुलाई। इसका मतलब 1 जुलाई फ्रेंड्स, 500 पद चिन्हित। तो चलिए आगे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं। फ्रेंड्स, 65वीं संयुक्त परीक्षा को लेकर के शिशिर सिन्हा अध्यक्ष बिहार लोक सेवा आयोग जो स्टेटमेंट दिया है, उनके बारे में पहले बात कर लेते हैं। 65वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के नोटिफिकेशन की प्रक्रिया अंतिम चरण में। सामान्य प्रशासन विभाग से शेष विभागों के पदों की जानकारी प्राप्त होने पर 1 जुलाई से पहले भी आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। अभ्यर्थी कुल पद व पूरी प्रक्रिया की जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट देखें। फ्रेंड्स, ये 1 जुलाई से पहले भी अप्लाई फॉर्म शुरू हो सकता है। अभी तक पद की पूरी विवरण लोक सेवा आयोग को नहीं मिली है। फ्रेंड्स, उसके बाद मैं बात करता हूँ फर्जी पदों की संख्या वायरल। सोशल मीडिया पर 65वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए चिन्हित पदों की फर्जी संख्या वायरल है। कई अभ्यर्थियों ने इसकी शिकायत आयोग से की है। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर वायरल किसी भी तथ्य पर विश्वास नहीं करें। आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर चिन्हित पद प्रक्रिया की जानकारी जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, अभी तक चिन्हित पद के बारे में बीपीएससी ने कोई इन्फॉर्मेशन जारी नहीं किया है, लेकिन कुछ पद जो कि बता दिया गया है कि कितना पद होगा। तो चलिए बात करते हैं उसके बारे में। देखिए, बस संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया है कि सामान्य प्रशासन विभाग से सहायक कमांडेंट के 6, नियोजन पदाधिकारी के 9, उप निर्वाचन पदाधिकारी के 40 तथा सब रजिस्ट्रार के पदों के लिए पत्र प्राप्त हो चुका है। कुछ पदों के लिए वैकेंसी प्राप्त हो चुका है बीपीएससी के पास। इसके अतिरिक्त जिला सूचना और संपर्क पदाधिकारी 11, ग्रामीण विकास पदाधिकारी 110, नगर कार्यपालिका पदाधिकारी 11 पदों के लिए विभाग के स्तर पर पत्र प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया, सामान्य प्रशासन विभाग में उपलब्ध कराई गई सीटों की आधार पर ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वही सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 1-2 दिनों में चिन्हित पदों को सूची उपलब्ध करा दी जाएगी। सभी विभागों से मिले पत्र के अनुसार लगभग 500 पद चिन्हित किए गए हैं। अब तक 500 पद चिन्हित कर दिए गए हैं फ्रेंड्स, सभी विभागों जो जितना पत्र मिल चुका है वैकेंसी का। बिहार प्रशासनिक सेवा 30 सूत्रों के अनुसार बिहार प्रशासनिक सेवा के नहीं आए हैं, लेकिन सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि 30 होगा और डीएसपी के 60 पद चिन्हित किए गए हैं। सितंबर में प्रारंभिक परीक्षा, फ्रेंड्स जो पहले नोटिफिकेशन बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया था, उसके अनुसार सितंबर में पीटी का एग्जामिनेशन है और मेंस के एग्जामिनेशन। सारी डिटेल आ गई थी जो कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था उस संबंधित, तो आप मेरे वीडियो में जा कर के देख भी सकते हैं उसके बारे में, या आपको पहले से पता भी होगा। लेकिन ये 65वीं से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन था